आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि इग्नू के जो है आप लोगों को असाइनमेंट जो है ऑनलाइन कैसे अपने असाइनमेंट जो है सबमिट करने हैं, और कैसे आप लोगों को जो है वह ईमेल एड्रेस ढूंढने हैं कि आप लोगों को जिनके ऊपर जो है अपने असाइनमेंट जो है सबमिट करने हैं, और किस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को जो है ये असाइनमेंट सबमिट करने हैं। सो सबसे पहले हम लोग जो है अपनी इग्नू की जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ignou.ac.in, सिंपली हम लोग इसके ऊपर आ जाएंगे। और जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो आप लोगों को नीचे यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन मिलता है न्यूज एंड अनाउंसमेंट का। सो न्यूज एंड अनाउंसमेंट के ऊपर आने के बाद आप लोग यहाँ जैसे ही इस स्क्रॉल को डाउन करके देखेंगे तो आप लोगों को जो है एक ऑप्शन मिलेगा अनाउंसमेंट का, जिसपे की लिखा हुआ है सबमिशन ऑफ स्कैंड कॉपीज ऑफ हैंड रिटन असाइनमेंट बाय लर्नर थ्रू ईमेल टू आरसी। आरसी का मतलब है यहाँ पर आप लोगों को अपनी जो है रीजनल सेंटर की वेबसाइट्स के थ्रू ही अपने जो असाइनमेंट स्कैन कॉपी जो है सबमिट करने हैं। तो सिंपली हम लोग जो है सबसे पहले इस लिंक को ओपन करेंगे कि इस सर्कुलर में हम लोगों को क्या चीज बताई गई है। सो जैसे ही आप लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक और लिंक मिलेगा क्लिक हेयर फॉर मोर डिटेल्स का। सो सिंपली हम लोग जो है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, और इसके ऊपर क्लिक करने का हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हम लोगों का सर्कुलर था जो है 30 तारीख को ही 30 मार्च को जो है डाल दिया गया था। सो इस सर्कुलर के अंदर आप लोगों को मेन जो पॉइंट्स हैं वह सभी बता देता हूँ कि इसमें जो है आप लोगों को ये बताया गया है कि COVID-19 की वजह से जो है कोई भी बच्चा जो है जैसे कि अपने असाइनमेंट जो है सबमिट नहीं कर सकता है मैन्युअली, तो वह जो है सिंपली जो है ईमेल आईडी के थ्रू जो है अपने हैंड रिटन असाइनमेंट की स्कैन कॉपीज को जो है ईमेल के थ्रू जो है अपने आरसी ईमेल पे जो आप लोगों की रीजनल सेंटर की वेबसाइट जो है उसके ईमेल आईडी पे आप लोग जो है उसको सबमिट कराएंगे, या फिर आप लोगों का जो रीजनल सेंटर है वह इसके लिए जो है अपनी तरफ से जो है एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी भी बना सकता है, या फिर उसके अकॉर्डिंग वह कोई भी अरेंजमेंट कर सकता है जिसके थ्रू वह आप लोगों के असाइनमेंट जो है सबमिट करेंगे। सो सिंपली इस सर्कुलर में हम लोगों को ये सब बातें बता दी गई हैं, और इसी के अंदर जो है आप लोगों को दिया गया है कि जो रीजनल सेंटर की आप लोगों की वेबसाइट है वो आप लोग जो है ईमेल के जरिए या फिर एसएमएस के जरिए आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आप लोगों को कहाँ पर और कैसे अपने जो है असाइनमेंट जो है सबमिट करने हैं स्कैन कॉपीज को। सो अब तक जो है काफी बच्चों के पास ईमेल या फिर एसएमएस जो है उनकी रीजनल सेंटर की तरफ से आ चुका होगा। अगर अभी तक आप लोगों के पास ऐसा कोई एसएमएस वगैरह नहीं आया है तो आप लोग थोड़े दिन जो है वेट भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो है इग्नू की जो है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अपनी रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर जा करके सिंपली आप लोग जो है विजिट कर सकते हैं कि अभी तक इन्होंने कोई भी ईमेल आईडी या फिर कोई भी पेज वगैरह इसके लिए जो है बनाया है या फिर नहीं। सो सिंपली हम लोग जो है इग्नू की इसी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जो है अपनी रीजनल सेंटर की वेबसाइट्स पर जाएंगे। तो रीजनल सेंटर्स की वेबसाइट पर जाने के लिए हम लोग को जो है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जो यहाँ पर टैब मिलता है रीजनल नेटवर्क का, सिंपली हम लोग जो है इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को ऑप्शन मिलता है रीजनल सेंटर्स का। सो हम लोग सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम लोगों को एक टैब मिल जाता है रीजनल सेंटर वेबसाइट का। हम लोग सिंपली जो है इस टैब पर जो है क्लिक कर देंगे, और जितने भी इग्नू के जो है रीजनल सेंटर हैं उन सभी के जो है अलग अलग स्टेट वाइज जो है यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएंगे। किसी स्टेट के अगर एक से ज्यादा रीजनल सेंटर है, जैसे कि आप लोग दिल्ली का देख सकते हैं कि दिल्ली के जो है 3 रीजनल सेंटर बनाए गए हैं, तो ये तीनों जो है अलग अलग इनकी वेबसाइट्स हैं और अलग अलग इनके जो है लिंक्स आप लोगों को दिए गए हैं। सो इसमें जो भी आप लोगों का स्टेट हो आप लोग उसी की वेबसाइट पे यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर जो है विजिट कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि उन्होंने क्या ईमेल आईडी या फिर क्या कोई नया पेज वगैरह या कोई नई ईमेल आईडी बनाई है आप लोगों के असाइनमेंट सबमिशन के लिए। सो सबसे पहले हम लोग जो है ये अगरतला करके जो है टैब दिया गया है हम लोगों को वेबसाइट का, हम लोग इनमें से कोई भी वेबसाइट्स जो है चूज कर लेंगे। सो पहले हम लोग जो है फर्स्ट नंबर पे जो हम लोगों को ये अगरतला दिया गया है इसी की वेबसाइट को हम लोग इसी की वेबसाइट पर विजिट करते हैं कि इन्होंने अभी तक कोई लिंक वगैरह कुछ एक्टिवेट किया है या नहीं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आप लोगों को जो है अपने ही स्टेट की वेबसाइट पर क्लिक करना है और जा करके चेक करना है। तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेन पेज पे अभी कोई भी आप लोगों को टैब नहीं मिलेगा। ज़्यादातर स्टेट की जो जितनी भी रीजनल सेंटर की वेबसाइट है सबका पैटर्न जो है सेम है। सो आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर जो है न्यूज एंड इवेंट्स का जो है टैब मिलेगा। ज़्यादातर जो भी नए लिंक एक्टिवेट किए जाते हैं या कुछ भी न्यू एडिट किया जाता है वो फीचर जो है आप लोगों को यहीं पर मिलता है। सो सिंपली इसके लिए अगर आप लोगों को ऊपर ही कोई टैब असाइनमेंट सबमिशन का या कुछ भी दिख जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर मोर पर क्लिक कर देंगे, और मोर पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते जो भी आप लोगों के टैब होंगे सभी जो भी लेटेस्ट होंगे अब तक के वो सभी जो है यहाँ पर
आप लोगों के ओपन हो जाएंगे। सो सिंपली आप लोग इसमें देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पर जो है डायरेक्टली कोई असाइनमेंट सबमिशन के लिए कोई लिंक एक्टिवेट नहीं है, बट इन्होंने ये टेम्प्रोरी अरेंजमेंट थ्रू अल्टरनेटिव चैनल के थ्रू जो है एक लिंक हम लोगों को यह दिख रहा है, तो हम लोग सिंपली इस पर क्लिक करके देख लेते हैं एक बार। सो जैसे ही हम लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को जो है ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हेयर फॉर मोर डिटेल्स का, तो हम लोग इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोगों को जो है एक पीडीएफ पेज मिल गया है। सो इसमें आप लोग देख सकते हैं अलग अलग जो है ईमेल आईडीज बना दी गई हैं लॉकडाउन पीरियड के लिए, तो यहाँ पर हम लोगों को जो है असाइनमेंट के लिए भी एक जो है डेडिकेटेड ईमेल आईडी जो है बना दी गई है फॉर सबमिशन ऑफ स्कैंड कॉपीज ऑफ असाइनमेंट। सो ये था हमारा अगरतला रीजनल सेंटर के लिए। जिन भी लोगों का यह रीजनल सेंटर है तो वह जो इस ईमेल आईडी पर जो है अपने जो है असाइनमेंट सबमिट करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग जो है किसी दूसरे स्टेट की भी एक बार वेबसाइट को जो है विजिट करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अलग अलग जितने भी स्टेट्स हैं सब ने अपने अलग अलग प्रोसेस रखे हैं। कईयों ने अपनी डेडिकेटेड ईमेल आईडी रखी है असाइनमेंट सबमिशन के लिए और कईयों ने अपनी जो है वही सेम ईमेल आईडी रखी है असाइनमेंट सबमिशन के लिए, सिर्फ एक उन लोगों ने सर्कुलर दे दिया है कि आप लोगों को जो है कैसे कैसे असाइनमेंट सबमिट करने हैं। तो अब सिंपली हम लोग एक दूसरे स्टेट की जो है रीजनल सेंटर की वेबसाइट जो है चेक कर लेते हैं। सो हम लोग इस टाइम सिंपली जयपुर की वेबसाइट पर आए हैं। सो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट जो है सभी की सभी सेम टाइप की है, बट आप लोगों को जो है न्यूज एंड इवेंट्स में आकर के अपना जो है असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड कोई लिंक मिलता है तो आप लोग उस पर जो है नो मोर पर क्लिक करके उसको एक बार चेक कर लेंगे। सो सिंपली यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि गाइडलाइंस दी गई हैं कि कैसे आप लोगों को जो है असाइनमेंट सबमिट करना है जून 2020 सेशन के लिए। सो सिंपली हम लोग इस पर जो है नो मोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर मोर डिटेल्स का आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा। सो हम लोग इस पर जो है क्लिक करेंगे। सो ये हम लोगों की जो है जयपुर की जो रीजनल सेंटर जो है जयपुर की वेबसाइट है। सो इसमें आप लोगों को जो है साफ साफ बता दिया गया है कि COVID-19 के चलते जो है कोई भी जो है अपना जो है असाइनमेंट वैसे सबमिट नहीं कर सकता है। गूगल फॉर्म का एक लिंक बना दिया है जिसके तहत आप लोगों को जो है अपने असाइनमेंट सबमिट कर देने हैं। सो ये यहाँ पर जो है आप लोगों को गूगल फॉर्म का यहाँ पर लिंक मिल जाएगा और सो इस फॉर्म के लिंक को एक बार ओपन करने से पहले आप लोग जो है सभी डिटेल्स इसमें जो है चेक कर लें। सो इसमें जो है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए भी लिंक दे दिया गया है अगर किसी बच्चे ने अभी तक अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं किया है तो, और बाकी इसमें जो है सभी वही डिटेल्स हैं कि आप लोगों को कौन सा जो है पेपर यूज़ करना है और आप लोगों को फ्रंट पेज जो है अपना जो रेडी करना है उसके ऊपर जो है आप लोगों का जो है नेम वगैरह और एनरोलमेंट नंबर और स्टडी सेंटर कोड प्रोग्राम कोड जो भी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी लिखी जाती हैं वह सभी आप लोगों को जो है पॉइंट वाइज मैंशन कर दी गई हैं। और यहाँ चौथे पॉइंट में आप लोगों को ये बता दिया गया है कि आप लोगों का असाइनमेंट जो आप लोग स्कैन करेंगे वह जो है आप लोगों को किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कि सबसे पहले आप लोगों को असाइनमेंट का जो है कवर पेज लगाना है जिसके ऊपर आप लोगों का नाम एनरोलमेंट नंबर और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वह सभी आ जाएंगी, कोर्स कोड और कोर्स टाइटल वगैरह जो कि आप लोगों को ये पॉइंट 3 में बताई गई हैं। और उसके बाद आप लोगों को जो है असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर लगाना है जो आप लोगों ने सॉल्व किया है स्कैन, और उसके बाद जो है आप लोगों का हैंड रिटन असाइनमेंट होना चाहिए। सो फिर फिफ्थ पॉइंट में आप लोगों को जो है यहाँ पर बता दिया गया है कि आप लोगों को जो है अपनी पीडीएफ फाइल का जो है नेमिंग जो है किस तरीके से करनी है। सो इस यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल दे करके अच्छे से बताया गया है इस वेबसाइट में। मेरे को जयपुर की रीजनल सेंटर वेबसाइट पे ये बात जो है अच्छी लगी है बिल्कुल, कि इन्होंने जो है एक एक पॉइंट को जो है मेंशन किया है जिससे कि कोई भी किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। सो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वह टाइप करना है पीडीएफ फाइल बनाने के लिए। उसके बाद आप लोगों का जो भी प्रोग्राम कोड होगा, जैसे कि एमपी का मतलब यहाँ पर मैनेजमेंट प्रोग्राम है या बीडीपी जो भी आप लोगों का प्रोग्राम होगा, आप लोगों को उसका ऐसे कोड टाइप कर देना है और ऐसे ही स्लैश देके फिर आप लोगों को जो है अपना जो है कि जिस कोर्स का आप लोग जो है असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए आप लोगों को MSO1 दे दिया गया, तो जो भी आप लोगों का कोर्स का कोड होगा जैसे कि FST1 या BEG101 वह आप लोगों को जो है यहाँ पर टाइप कर देना है। और आप लोगों को फाइल की नेमिंग जो है इसी तरीके से करनी है। एंड फाइल की नेमिंग करने के बाद आप लोगों को जो है वापस से यह लिंक दे दिया गया है कि आप लोग जो है कौन से गूगल फॉर्म लिंक पे यहाँ से आप लोग क्लिक करके जो है इस फॉर्म को जो है ओपन कर सकते हैं और सिंपली अपने असाइनमेंट को जो है सबमिट कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग इस लिंक को भी ओपन करके देखेंगे कि इन लोगों ने कैसा गूगल फॉर्म का जो है लिंक बनाया है स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। सो आप लोगों के आगे जो है एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आप लोगों का जो है
आप लोगों की जो है फाइल साइज वगैरह क्या होना चाहिए, या क्या कैसे आप लोगों की नेमिंग होनी चाहिए, और आप लोगों को क्या क्या डिटेल्स जो है डालनी है इसके अंदर, ये सभी आप लोगों को पहले यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। और यहाँ पर जो है मेंशन कर दिया गया है कि हर एक असाइनमेंट सबमिशन के लिए आप लोगों को जो है गूगल फॉर्म को अगेन जो है ओपन करना होगा और उसको जो है सबमिट करना होगा, और मैक्सिमम साइज जो है आप लोगों का 100 MB का दिया गया है। सो सिंपली आप लोग पहले जो जो भी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं उन सभी को अच्छे से पढ़ लें, और यहाँ पर फिर आप लोगों को आप लोगों की डिटेल्स जो है फिल कर देनी है, आप लोगों का ईमेल आईडी, एनरोलमेंट नंबर, और जो भी आप लोगों का प्रोग्राम कोड है और कोर्स कोड है वह आप लोगों को यहाँ पर फिर से फिल कर देना है, और यहाँ पर अपना नेम डाल करके, नेम, फादर्स नेम, और जो जो भी डिटेल्स आप लोगों से यहाँ पर पूछी गई हैं वह सभी आप लोगों को फिल करके, सबसे लास्ट में आप लोगों को जो है ऐड फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि आप लोगों को जो है एक बार में एक ही फाइल जो है अपलोड करनी है। सो आप लोग यहाँ पर सिंपली जो है अपनी एक फाइल ऐड करके इसको जो है सबमिट कर देंगे, और ऐसे करके आप लोग अपने जो है सभी असाइनमेंट्स यहाँ पर जो है सबमिट कर देंगे सिंपली। अब हम लोग जो है किसी एक और अगले स्टेट की भी जो है वेबसाइट चेक कर लेते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने दो वेबसाइट देखी हैं जिनमें दोनों में जो है अलग अलग पैटर्न दिया गया है। एक के अंदर जो है डेडिकेटेड ईमेल आईडी आप लोगों के लिए बना दी गई है असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए, और एक के अंदर जो है आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म का लिंक जो है बना दिया गया है। सो अब हम लोग कोई तीसरी वेबसाइट जो है विजिट कर लेते हैं कि उन्होंने जो है कैसे जो है असाइनमेंट सबमिशन की जो है रिक्वायरमेंट्स मांगी हैं। सो अब हम लोग जो है दिल्ली की एक वेबसाइट को जो है चेक कर लेते हैं। सो जैसे ही हम लोग इस दिल्ली की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दिल्ली 1 की ये वेबसाइट ओपन की गई है, दिल्ली 2 और 3 की जो है वेबसाइट अलग है। सो यहाँ पर भी आप लोग सेम जो है न्यूज एंड इवेंट्स में आएंगे डायरेक्ट, और यहाँ पर जो है एक सर्कुलर दिया गया है असाइनमेंट सबमिशन को लेकर के। सो सबसे पहले हम लोग इसी पर जो है नो मोर पर क्लिक करेंगे और इसको जो है ओपन कर लेंगे। सो जैसे ही हम लोग इसको जो है ओपन करेंगे यहाँ पर हम लोगों को जो है रिवाइज सर्कुलर का ऑप्शन मिलेगा, हम लोग सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इसको एक बार जो है रीड करेंगे कि इन्होंने क्या क्या जो है डिटेल्स इसमें दी हैं। ये जो है 12 अप्रैल को आप लोगों का जो है यहाँ पर अपलोड कर दिया गया था, जो कि ये बता रहा है कि यूनिवर्सिटी के जो है सर्कुलर में जो यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट थी वो जो है 30 मार्च को अपलोड कर दिया गया था, जिसके तहत जो है आप लोगों को RC दिल्ली 1 जो है स्कैन कॉपीज के जो भी आप लोगों के असाइनमेंट हैं वह आप लोगों को जो है इस डेडिकेटेड ईमेल आईडी पे जो कि इन लोगों ने बनाई है असाइनमेंट्स RC दिल्ली 1 करके, तो आप लोगों को जो है सिंपली इस वेबसाइट पर जो है अपने असाइनमेंट जो है सबमिट करने हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि आप लोगों ने जो है जयपुर वाली जो रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर था उन्होंने जो है फाइल नेमिंग जो स्टार्ट करी थी उन्होंने जो है एनरोलमेंट नंबर से की थी, और उसके बाद आप लोगों का प्रोग्राम कोड और उसके बाद जो है आप लोगों का कोर्स कोड होना चाहिए। और ऐसे ही आप लोग यहाँ दिल्ली की इस वेबसाइट पर देख सकते हैं इन्होंने जो है फाइल नेमिंग जो है उनसे जो है डिफरेंट तरीके से मांगे। इन्होंने सबसे पहले जो है द फाइल शुड बी नेम्ड एज कोर्स कोड्स, तो सबसे पहले आप लोगों का जो है कोर्स कोड होना चाहिए, जैसे कि FST1 या BEG101 या ESO11 या ESO12 जो भी आप लोगों का कोर्स है, और उसके बाद जो है आप लोगों का जो है स्टडी सेंटर का कोड होना चाहिए, और उसके बाद जो है आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। जो भी इस रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर आते हैं और वो है अपना असाइनमेंट जो है सबमिट करते हैं तो उन लोगों को अपनी PDF फाइल की जो नेमिंग जो है इस तरीके से करनी होगी। एंड उसके बाद जो है आप लोगों को बता दिया गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने जो है अपने असाइनमेंट जो है इस ईमेल आईडी पर या फिर हार्ड कॉपी में अपने असाइनमेंट जो है सबमिट कर दिया उनको जो है दोबारा से अपने असाइनमेंट सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो सिंपली आप लोग जो है पहले सर्कुलर, जो भी सर्कुलर हो या जो कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो उन सबको अच्छे से रीड कर ले अपना असाइनमेंट सबमिट करने से पहले कि उन लोगों ने जो है किस तरीके से जो है फाइल की नेमिंग मांगी है या जो कुछ भी डिटेल्स उन्होंने मांगी है, जिससे कि कोई गलती की जो है गुंजाइश ना रहे, जिससे कि आप लोगों को परेशान ना होना पड़े बार बार असाइनमेंट्स के लिए। सो सिंपली इसके बाद जो है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया है जिसमें कि आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर और नेम जो है इन्होंने जो है जैसे कि इन्होंने जो है कुछ अलग डिटेल्स दी है, इन्होंने जो है बोला है कि हर एक पेज पर स्टूडेंट्स का जो है नेम और एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए बिफोर स्कैनिंग। सो आप लोगों को स्कैनिंग करने से पहले ही आप लोगों को अपना नेम और एनरोलमेंट नंबर जो है हर एक पेज पर जो है लिख देना है। एंड दूसरे पॉइंट में यह है आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों का जो भी ओरिजिनल असाइनमेंट है आप लोग उसको जो है सेफली रखें, क्योंकि आप लोगों से जो है उसकी हार्ड कॉपी जो है रीजनल सेंटर के द्वारा मांगी जा सकती है अगर कोई ज़रूरत उनको पड़ी तो। एंड उसके बाद ऐसे ही आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है दिए गए हैं। थर्ड पॉइंट में आप लोगों को जो है बताया गया है कि ईमेल जो आप लोग भेजेंगे उसके अंदर आप लोगों का जो है
नेम, एनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर का कोड और स्टडी सेंटर का कोड, प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड, ये सभी चीजें जो है कोर्स कोड उन सभी असाइनमेंट्स के लिखे हुए होने चाहिए जो आप लोग उस मेल के अंदर जो है अटैच्ड कर रहे हैं, और साथ में आप लोगों का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। सो ये सभी डिटेल्स जो है आप लोगों को उस ईमेल पर जो है अच्छे से पहले लिख देनी है, और फिर उसके बाद जो है फाइल अटैच करनी है, और फिर उसके बाद आप लोगों को जो है अपना असाइनमेंट जो है सबमिट करना है। एंड फोर्थ पॉइंट में आप लोगों को यही बताया गया है कि एक असाइनमेंट के लिए जो है एक ही पीडीएफ, स्कैन पीडीएफ जो है होनी चाहिए। जैसे कि एक असाइनमेंट में अगर 10 क्वेश्चन है तो उसके जो है एक ही सिंगल पीडीएफ में उन सभी के आंसर्स जो है होने चाहिए। सो ऐसे करके जो है इन्होंने अपनी अलग डिटेल्स मांगी है। एंड फिफ्थ पॉइंट में आप लोगों को जो है यही बताया गया है कि जैसे कि हम लोगों का जो वही फ्रंट जो पेज बनता है, फ्रंट कवर पेज जो बनता है, जिसपे हम लोगों का नेम वगैरह और जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वह सभी जो है लिखी होनी चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट में आप लोगों को जो है बता दिया गया है कि आप लोगों को जो है जो भी आप लोगों की असाइनमेंट की लास्ट डेट है उससे पहले पहले जो है ये सबमिट कर देने हैं। सेवन्थ पॉइंट में जो है ये इग्नू के जो है असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स का लिंक दिया गया है। एंड यहाँ पर जो है आप लोगों को एट्थ पॉइंट में जो है सजेस्ट कर दिया गया है कि आप लोग जो है कैम स्कैनर या किसी भी मोबाइल ऐप के थ्रू जो है अपनी पीडीएफ फाइल जो है क्रिएट कर सकते हैं। सो ऐसे ही आप लोग जो है अपने अपने स्टेट की रीजनल सेंटर की वेबसाइट्स पर जा सकते हैं और उनकी जो है सारी डिटेल्स, क्योंकि मैं सारी जितनी भी इग्नू की रीजनल सेंटर की वेबसाइट हैं सभी की डिटेल्स आप लोगों को एक एक की ओपन करके नहीं दिखा सकता, उससे जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोग अपने अपने स्टेट की रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर जो भी ऐसा सर्कुलर दिया गया या कोई भी जो है पॉइंट मेंशंस किए गए हों पहले उनको जो है अच्छे से पढ़ लें कि उनको फाइल नेमिंग वगैरह जो है किस तरीके से चाहिए। सो आप लोग अपनी फाइल नेमिंग वगैरह जो है प्रॉपर उसी तरीके से करें और उसी ईमेल आईडी पे, जो डेडिकेटेड ईमेल आईडी अगर बनाई गई हो तो उस ईमेल आईडी पर जो है मेल सेंड कर दें, या फिर जो भी गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है कि आप लोगों को फाइल जो है कैसे अपलोड करनी है गूगल फॉर्म लिंक पे, वो सभी वहां पर जो है मेंशन की गई है, तो आप लोग उसी तरीके से जो है फाइल्स को अपलोड करें, क्योंकि अलग अलग रीजनल सेंटर की वेबसाइट्स ने अलग अलग अपने जो है रूल्स बना रखे हैं। सो सभी ने जो है अलग अलग अरेंजमेंट्स कर रखी है ये असाइनमेंट सबमिशन के लिए। तो आप लोग जो भी आप लोगों की रीजनल सेंटर की वेबसाइट है उन पर जाकर के जो है एक बार विजिट कर ले और देख लें कि उन लोगों को जो है कैसे असाइनमेंट सबमिट करने हैं। और अगर जो है आप लोगों के रीजनल सेंटर ने अभी तक जो है ऐसा कोई आप लोगों को एसएमएस नहीं किया है, या फिर कोई भी उन्होंने अभी तक जो है कोई डेडिकेटेड ईमेल आईडी वगैरह अभी तक नहीं बनाई है, सो सिंपली आप लोग जो है अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर जाएंगे, और जैसे ही आप लोग अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर जाएंगे, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे ही हम लोग इस रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर आते हैं सो हम लोगों को जो है फ्रंट पेज पे यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर कि ईमेल पर जो है आप लोगों की रीजनल सेंटर की जो है ईमेल आईडी लिखी होती है। तो सिंपली आप लोग जो है इस ईमेल आईडी पर जाकर के अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। सो अभी तक जिन भी वेबसाइट पर यह अपडेट नहीं की गई है ईमेल आईडी या फिर कोई गूगल फॉर्म का लिंक, हो सकता है इन फ्यूचर वह एक दो दिन में जो है कर दें, या फिर उन लोगों को जो है इसी ईमेल आईडी पर आप लोग जो है अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की जो है सभी प्रॉब्लम्स जो है इस वीडियो में सॉल्व हो गई होंगी कि आप लोगों को कैसे और किस ईमेल आईडी पे या जो है अपने असाइनमेंट जो है सबमिट ऑनलाइन जो है सबमिट करने हैं। सो ऑनलाइन असाइनमेंट को जो है स्कैन करने के लिए आप लोग एंड्रॉयड मोबाइल पे कोई भी सॉफ्टवेयर को, जो कोई भी स्कैनर वगैरह आते हो तो उनको यूज कर सकते हैं और अपनी जो है पीडीएफ फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।